नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय नागेंद्र यादव में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि 16 सितंबर से UGC नेट के एग्ज़ाम का डेट आ चुकी है, तो आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन तेज़ कर दीजिए और जो टॉपिक आप लोग को स्ट्रांग लगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे, उसको आप जल्दी से जल्दी कवर करिए और जो आपको ईजी लगे उसको बाद में कवर करिए, ताकि समय होते हुए समय रहते हुए सारी टॉपिक को आसानी से पूरा किया जा सके। और देखा गया है कि अब धीरे धीरे हर स्टेट का एग्ज़ाम होने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए DSSB और अन्य स्टेट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर रहिए। और जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, यह वीडियो 2016 जो यूपी DSSB में 2016 PGT का पेपर आया था, उसका यह साल पेपर है और आपको मेरा विश्वास है कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए मैं आज ज़्यादा समय लेते न हुए आज स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। नेम द फाउंडिंग फादर ऑफ द एशियन गेम। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन एशियन गेम के फादर थे जिन्होंने उनका निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है महाराजा यादवेंद्र सिंह ऑफ पटियाला, और बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है राजकुमारी अमृता कौर और डी है प्रोफेसर गुरदत्त सोनी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। राजकुमारी अमृता कौर के बारे में बता दें तो राजकुमारी अमृता कौर एक प्लेयर थी और इनके नाम पर 1953 में एक स्कीम चलाई गई थी जो कोचिंग स्कीम थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी गुरदत्त सोनी जी के साथ मिलकर एशियन गेम्स में बहुत मदद किए थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रोफेसर गुरदत्त सोनी। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू कंप्लीट ए फुल सर्किट ऑफ द बॉडी ए ड्रॉप ऑफ ब्लड टेक अप्रॉक्सीमेटली। कहा है कि शरीर में एक बूंद ब्लड को सर्कुलेट करने में कितने समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 मिनट, 1 मिनट, बी है 30 सेकेंड, सी है 50 सेकेंड और डी है 1.5 मिनट यानी 1.5 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 30 सेकेंड लगता है एक बूंद ब्लड को पूरे शरीर में सर्कुलेट करने में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एग्जाम्पल ऑफ हिंज ज्वाइंट इन फाउंड एट द हिंज ज्वाइंट, मतलब इसको बोलते हैं कब्जेदार संधि। कहा है कि हिंज ज्वाइंट का उदाहरण है जो पाया जाता है किसमें, वेर्टेब्रो कॉलम में। ऑप्शन नंबर ए है, बी है जंक्शन ऑफ एटलस एंड एक्सिस। एटलस एक्सिस जहाँ जुड़ती है वहाँ पे, और ये कहाँ होती है, एटलस और एक्सिस हमारा जहाँ स्कल होती है और सर्वाइकल, स्कल और सर्वाइकल बोन जहाँ जुड़ती हैं उसको बोलते हैं एटलस, और उसके जस्ट नीचे की बोन को बोलते हैं एक्सिस। सी है नी घुटना और डी है ग्लेनॉइड कैविटी। ग्लेनॉइड कैविटी शोल्डर में पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, नी ज्वाइंट को हिंज ज्वाइंट भी बोलते हैं। और वर्टेब्रा कॉलम की बात करें तो वर्टेब्रा कॉलम में 6 प्रकार के मूवमेंट होते हैं, 6 प्रकार के याद रखिएगा, और टेब्रा कॉलम में 6 प्रकार के मूवमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मच ऑफ द मोटर स्किल लर्निंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। कहा है कि मोटर स्किल लर्निंग किस एज में अधिक होती है। मोटर स्किल लर्निंग यानी मूवमेंट स्किल, कौशल सीखना किस एज में, किस एज के समय अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, चाइल्डहुड के समय अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एयरलिस्ट नेम फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर इन स्कूल वाज। यानी कहा है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर को स्कूलों में पहले क्या कहा जाता था, ड्रिल मास्टर कहा जाता था, बी है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कहा जाता था, सी है स्किल मास्टर कहा जाता था,
या फिजिकल एजुकेटर्स कहा जाता था, शारीरिक शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कहा जाता था पहले समय में स्कूलों में, फिजिकल एजुकेशन टीचर को फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बियॉन्ड ऑफ द स्कोप ऑफ द डिस्कशन ऑन द हेल्थ। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा हेल्थ के डिस्कशन से परे है, यानी हेल्थ के क्षेत्र में चर्चा से परे, जिस पे हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो हाइजीन, हाइजीन पे हम चर्चा कर सकते हैं। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता, स्वच्छता का मतलब अपने शरीर की स्वच्छता, इन्वायरमेंट की स्वच्छता, आसपास की स्वच्छता। और डिजीज के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं, डिफॉर्मिटी के बारे में भी। डिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी अलाइंट हैं, अलाइनमेंट हैं, जो बॉडी अलाइनमेंट है एक फॉर्मेट में ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, डेथ को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज ए लॉन्ग टर्म फिनोमिना एंड देयर आर। कहा है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक लंबे समय की फिनोमिना है, जो है क्या, नो शॉर्टकट इट इन, यानी इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक लंबी फिनोमिना है जिसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, नो शॉर्टकट, इसका कोई सरल तरीका नहीं है। क्वेश्चन है एट, व्हाट इन योर ओपिनियन इज सेंट्रल टू ऑल रिसर्च। कहा है कि आपके राय में, आपके ओपिनियन में रिसर्च का केंद्र बिंदु क्या है, पूरे रिसर्च का, सभी रिसर्च का केंद्र बिंदु क्या है आपके राय में। तो ऑप्शन नंबर ए है इंस्ट्रूमेंट उपकरण, बी है प्रोसीजर प्रक्रिया, सी है क्वेश्चन प्रश्न, और डी है हाइपोथेसिस परिकल्पना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्वेश्चन ही पूरे रिसर्च का केंद्र बिंदु होता है, और क्वेश्चंस को ही क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसको रिसर्चर फाइंड आउट करता है, प्रूव करता है, उस हाइपोथेसिस को उस पर टेस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड टर्म डज नॉट डिनोट टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक शब्द टेस्ट को इंडिकेट, संकेत नहीं देता है, संकेतिक नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक शब्द टेस्ट को संकेत नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मस्कुलर स्ट्रेंथ, पेशीय शक्ति, बी है प्लेइंग एबिलिटी इन सूकर, फुटबॉल में खेलने की योग्यता, सी है शूटिंग एबिलिटी इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में शूटिंग की योग्यता, और डी है रनिंग स्पीड। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, रनिंग स्पीड को ही टेस्ट को डिनोट नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर टेन है, द एयरलायर टर्म यूज फॉर मैनेजमेंट वाज, यानी कहा कि प्राचीन पहले मैनेजमेंट शब्द को किस टर्म में यूज करते थे। कहा कि पहले मैनेजमेंट को किस शब्द में प्रयोग करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के रूप में, बी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, सी कोऑर्डिनेशन के रूप में, और डी डायरेक्शन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मैनेजमेंट को पहले यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, डेसिमल सिस्टम यूज द नंबर फ्रॉम 0 to, मतलब डेसिमल सिस्टम जो होता है, दशमलव सिस्टम, नंबर कहाँ से प्रारंभ होता है, 0 to 9 तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू द कोच इन इंडिया। कहा है कि इंडिया में जो कोच होते हैं उनके लिए हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है, अर्जुन अवार्ड है। ये तो खिलाड़ियों के लिए होता है, ये 4 साल के बैकग्राउंड को देख कर दिया जाता है, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई थी, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की स्थापना 1991-92 में हुई थी, 1991-92 में। और पहला विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, और ध्यानचंद अवार्ड जो हुआ था 2002 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड। तो
तो कहा है कि ये ध्यानचंद ने द्रोणाचार्य अवार्ड है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में दिया गया था और यही कोच के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैन इन मोशन इज द फोकस ऑफ अटेंशन वर्ल्ड इज, यानी कहा है कि मैन इन मोशन फोकस ऑन अटेंशन इज, व्यक्ति जो मोशन में होता है उसका अटेंशन केवल ध्यान होता है किस पे, काइनेसियोलॉजी पे, बायोमैकेनिक्स पे, फिजिकल एजुकेशन पे, वाइगोरस रिक्रिएशन पे। तो मैन इन मोशन की जब बात करें तो काइनेसियोलॉजी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, काइनेसियोलॉजी। काइनेसियोलॉजी का मतलब होता है गति का अध्ययन, और काइनेसियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर मिलना है, काइन एंड लोगस। काइन का मतलब होता है मोमेंट, गति, और लोगस का मतलब अध्ययन करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन एनाटॉमिकल लैंग्वेज द हार्ट मसल इज कॉल्ड, यानी एनाटॉमिकल भाषा में हार्ट मसल किसे बोलते हैं, पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिथेलियम। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मायोकार्डियम को एनाटॉमिकल भाषा में हार्ट मसल को एनाटॉमिकल भाषा में मायोकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम की बात करते हैं तो पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, सबसे बाहरी परत होती है, और इंडोकार्डियम सबसे अंदर की परत होती है, और बीच की परत जो होती है मायोकार्डियम होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है। और एपिथेलियम जो होती है इसको स्किन बोलते हैं, ये सबसे बाहरी स्किन का भाग है एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मेजर फंक्शन ऑफ द लिगामेंट इन द बॉडी, यानी कि शरीर में लिगामेंट का मुख्य कार्य क्या है, प्रिवेंट ज्वाइंट डिसलोकेशन, और सी है मतलब कि ज्वाइंट को डिसलोकेट होने से रोकना, और बी है रिड्यूस फ्रिक्शन इन ज्वाइंट, ज्वाइंट के फ्रिक्शन को मतलब घर्षण को कम करना, और सी है एक्ट एज ए लीवर्स, लीवर की तरह उत्तोलक की तरह कार्य करना, डी है कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी लिगामेंट जो होता है अटैच बोन टू बोन, यानी बोन को एक बोन से जोड़कर रखता है और डिसलोकेट एक जगह से दूसरे जगह होने में बचाता है, और बी जो है रिड्यूस फ्रिक्शन इन ज्वाइंट, यानी कि जो रिड्यूस फ्रिक्शन इन ज्वाइंट की बात किया है तो ज्वाइंट में जो साइनोवियल फ्लूड और कार्टिलेज होते हैं यही ज्वाइंट के फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज बायोलॉजिकल ओरिएंटेशन, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी थ्योरी है जो बायोलॉजिकल आधारित होती है, तो ऑप्शन नंबर है नीड थ्योरी, और बी है ड्राइव थ्योरी, सी है इंस्टिंक्ट थ्योरी, और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इंस्टिंक्ट थ्योरी। अब इंस्टिंक्ट थ्योरी को किसने दिया था, प्रोफेसर मैकडूगल ने दिया था, और नीड थ्योरी को मैकलारेन ने दिया था, और ड्राइव थ्योरी को हल ने दिया था, और डी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को अब्राहम मसलो ने दिया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, इंस्टिंक्ट थ्योरी। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच ईयर वाज द मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स इंट्रोड्यूस इन द कंट्री, कहा है कि निम्नलिखित में से किस ईयर में मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी एमपीएड देश में इंट्रोड्यूस किया गया, था। ऑप्शन नंबर ए बी है 1962-63 में देश में एमपीएड इंट्रोड्यूस किया गया, परिचय कराया गया, और कहाँ कराया गया, एल एन आई पी ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, हेल्थ इज प्राइमरली इज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफ, यानी स्वास्थ्य
प्राथमिक रूप से उत्तरदायित्व है, किसका उत्तरदायित्व है, समुदाय का है या व्यक्ति का है या राज्य का है या पेरेंट्स गार्जियन का है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का ही प्राथमिक दायित्व है हेल्थ के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एज ए जनरल रूल्स चिल्ड्रेन शुड नॉट ट्रेन फॉर मोर देन, यानी एक सामान्य नियम के अनुसार बच्चे को इतने से ज़्यादा ट्रेंड प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए। कितना घंटे से ज़्यादा, 10 से 16 घंटा एक सप्ताह में और 12 से 18 घंटा एक सप्ताह में और 16 से 22 घंटा एक सप्ताह में और 18 से 24 घंटा एक सप्ताह में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 18 से 24 घंटा से ज़्यादा बच्चों को एक सप्ताह में ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन है, अब मैं इसी तरह कंटिन्यू करता रहूँगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, द इंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल रिसर्च, सभी रिसर्च का इंड प्रोडक्ट क्या है, सभी रिसर्च का इंड प्रोडक्ट जो समाप्त उत्पादन क्या है, अंत उत्पादन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, बेटर प्रोसीजर एंड मोर रिसर्च, अच्छी प्रक्रिया और अधिक रिसर्च, और बी है कन्फर्मेशन या रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का परिकल्पना जो हम निर्माण किए थे उसका कन्फर्मेशन या रिजेक्शन, सी है ए विविड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कि जो सब्जेक्ट है उसके बारे में एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, और डी है ए बॉडी ऑफ नॉलेज, ए बॉडी ऑफ नॉलेज जो हम कर रहे थे उसके बारे में नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इंड प्रोडक्ट रिसर्च का, सभी रिसर्च का इंड प्रोडक्ट यही होता है कि जो हम हाइपोथेसिस बनाए हैं उसका कन्फर्मेशन है या रिजेक्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इस प्रकार मैं आज 20 क्वेश्चन को कवर किया हूँ और इसी तरह वीडियो कंटिन्यू रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हमारी वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियो डालें आप लोग को तुरंत मिल सके।